वाराणसी विश्व हिंदू महासंघ के तत्वाधान में आज हिंदू स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाया गया। संपूर्ण कार्यक्रम जिलाध्यक्ष सिद्धार्थ कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि रेखा श्रीवास्तव, प्रदेश महामंत्री रुद्र कुमार पाठक, प्रदेश अध्यक्ष जयशंकर केसरी, प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव, संभाग प्रभारी तपेश्वर चौधरी, मंडल प्रभारी सरोज गुप्ता, सह मंडल प्रभारी समेत जिलाध्यक्ष मातृशक्ति, जिला प्रभारी अंजू श्रीवास्तव, महानगर अध्यक्ष सुषमा श्रीवास्तव, भारत भूषण के अलावा ओम प्रकाश जिलाध्यक्ष का भरपूर सहयोग रहा। हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। श्री विश्व हिंदू महासंघ मातृशक्ति प्रकोष्ठ की प्रदेश महामंत्री श्री रेखा दीदी जी, हमारे अधिवक्ता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई श्री रुद्र कुमार पाठक जी, हमारे बीच हमारे परम आदरणीय प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय श्री जयशंकर केसरी जी, संभाग प्रभारी जी, जिला अध्यक्षा मातृशक्ति अमृता श्रीवास्तव जी, महानगर अध्यक्षा महानगर हर महादेव बाबा विश्वनाथ की माँ गंगा। हेलो, आज योगी जी का जन्मदिन किस तरह से मना रहे हैं आप? हम यही देख रहे हैं, हमारे विश्व हिंदू महासंघ हमारा संगठन है, जो जिनको आशीर्वाद मिला हुआ है महान योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे आदर्श हैं और सौभाग्य से इस प्रदेश के मुखिया भी हैं। तो हम लोग लगातार उनका शुरू से ही 5 जून से साप्ताहिक कार्यक्रम करते हैं पूरे प्रदेश में और जन्मोत्सव मनाते हैं। आज 8 तारीख को बनारस में यह कार्यक्रम हो रहा है और इस प्रकार से प्रदेश के समस्त जिलों में दिन निर्धारित हैं और हम लोग महाराज जी का जन्मोत्सव। यहाँ बनारस में किस तरीके से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, क्या क्या कार्यक्रम हैं यहाँ? आज तो हम लोग उनको अपने यहाँ से शुभकामना और ये संदेश ये दे रहे हैं। सभी हमारी मातृशक्ति यहाँ बैठी, हमारी प्रदेश महामंत्री मातृशक्ति प्रकोष्ठ की हैं रेखा श्रीवास्तव जी, ये लोग सब लोग आकर के यहाँ पर हम लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे महाराज जी को दीर्घायु बनावें, सतायु बनावें और सशक्त बनावें। और हम लोग यह भी प्रार्थना कर रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, हम लोग ये भी प्रार्थना करते हैं। जय जय सीधा। क्या कहेंगी योगी जी के जन्मदिन जन्मोत्सव को लेकर? देखिए, योगी जी का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं 5 जून से लेकर के 11 जून तक। पूरे प्रदेश में एक कार्यक्रम निरंतर चलता रहता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री भिखारी प्रजापति जी, जो स्वयं इस कार्यक्रम को हर जगह हर जिले में जाकर के अटेंड करते हैं और महाराज जी का जन्मदिन मनाया जाता है, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में वो प्रधानमंत्री भी हों और इस देश का कल्याण, हिंदू का कल्याण अगर हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ योगी जी कर सकते हैं। विश्व हिंदू महासंघ प्रदेश उपाध्यक्ष, क्या कहना चाहेंगे आज योगी जी के जन्मदिन को? मैं बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि पूज्य महाराज जी के दीर्घायु हों, स्वस्थ हों, सतायु हों और जिस प्रकार से हमारे अपने विचार है कि यह एक युग दृष्टा के रूप में अवतरित हुए हैं और पूरे प्रदेश में 5 जून से 11 जून तक साप्ताहिक जन्मोत्सव के रूप में यह प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा निर्देशित कार्यक्रम हम सब मनाते हैं, पूरी संगठन मनाती है। इसी के साथ विश्व बंधुत्व विश्व कल्याण के तत्व को रख करके यह कार्य पूज्य महाराज जी करते हैं।